क्या कुछ होने वाला है इस एंटरटेनमेंट में? बहुत कुछ। एक तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तो ये है कि ये 2.5 साल बाद आ रहा है। कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि यार अनु जी कब आ रहा है शो। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू द शो एंड सोनी पर आ रहा है बहुत दिनों बाद। आई एम वेरी एक्साइटेड। अब एक्साइटमेंट क्या हो रही है कि अनु और फराह का कॉम्बिनेशन तो लोग देखना चाहते हैं। अब मैं शायरी मारता हूँ, फराह बेहोश हो जाती है। फराह जब बेहोश होती है मैं उसको उठाने की कोशिश करता हूँ, वो और बेहोश हो जाती है, फिर मैं और शायरी मारता हूँ। इस बीच में मोना भी है, मोना का भी मेरी तरह 5वां सीजन है विद फराह। लेकिन कृष्णा जो आया है तो कृष्णा अपने कमेंट डाल रहा है वहाँ, जो उसकी कॉमेडी चल रही है, तो मतलब मेरा और कृष्णा का तालमेल भी बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ कृष्णा कुछ बोलता है, मैं कुछ बोलता हूँ, तो वहाँ वो हंस हंस के गिर जाता है। वो कमाल की बात है, वो मेरी शायरी सुन के वो रिलेट ऐसा करता है कि वो बेहोश हो जाता है। वो कुछ बोलता है, मैं हंसता हूँ। यहाँ फराह पहले एक अनु मलिक था, अब 4-4 लोग आ गए, मोना भी हमारे इसमें आ गई है, और फिर फराह भी मस्ती करती रहती है। कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट आते हैं जो हमारा मतलब हैरान भी कर देते हैं। सडनली फराह भी मस्ती के मूड में आती है, वो भी मुझे कुछ बोलती रहती है। क्या फराह क्या हम दोनों का जन्म जन्मांतर का साथ लगता है? वो क्या मेरा पीछे छोड़ रही नहीं, जन्म पिछले जन्म से आई मेरे पीछे, बल्कि वो बोलती रहती कि तू ऐसा बोलता है, मुझे लगता है तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इन शॉर्ट इट्स अ मैजिकल कॉम्बिनेशन, मेरा और फराह का मैजिकल कॉम्बिनेशन है। जब भी हम साथ में आते हैं देयर इज मैजिक। कुछ कंपटीशन भी होता है, हमने सुना आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, ऐसा वैसा वो कुछ भी चलता रहता है, बड़े हैं छोटे हैं कुछ भी चलता रहता है। मुझे क्या है, पर्सनैलिटीज आते हैं, कोई भी आता है। मैं अपना स्टाइल जो है, मैं एंटरटेनर हूँ, मैं जनता को एंटरटेन करना चाहता हूँ। मुझे कोई कुछ भी बोले उस पर, कोई बोले, कोई बेहोश है मेरे शायरी सुने, कोई टिप्पणी करे, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरी जनता सामने मेरी नज़र आती है, मेरी जैसे आपके जरिए मेरी जनता मुझे सुन रही है, करेक्ट, मीडिया के जरिए। मुझे सिर्फ जनता से प्यार है, मुझे सिर्फ जनता का लगाव है। वो खुश होना चाहिए, वो घर पर जब आते हैं किसी ने सवाल अच्छा किया, व्हाट इज एंटरटेनमेंट टू यू, आप एंटरटेनमेंट, व्हाट इज एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मीन्स आप थके मानते जब घर पर आते हैं, वो आप भी हैं, आप भी सिर्फ जनता ही नहीं, आप भी जनता है, मैं भी जनता हूँ। आप जब थके मानते घर जाते हैं, आप वो देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन करे। मैं समझता हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो इंसान की होती है, या फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग जब आते हैं घर पर, वाइफ से प्यार मिलता है, हस्बैंड से प्यार मिलता है, बच्चों से प्यार मिलता है, उसके बाद वो जब रिमोट लेके बैठता है, ठड़क करके ऑन करके, मेरा दिमाग उस जनता पर जाता है कि मैं कोई ऐसा करूं उसकी थकन दूर करूं, वो मेरे पर हंसे, कोई गाली दे, कोई प्यार करे। मुझे जनता बहुत प्यार करती है। इतने साल सर्वाइव करना, यू कैन नॉट सर्वाइव, इट हैज़ टू बी गॉड एंड इट हैज़ टू बी द पीपल ऑफ इंडिया हु लव यू एंड आई एम देयर। बिकॉज लोग बोलते हैं हाँ यार कुछ भी बोलता है, दिल से बोलता है, मेरी शायरियाँ प्लान नहीं होती हैं। अब आप मुझे बोलेंगे कुछ बोलो, तो उस वक्त मैं क्या बोलूँ, तो सडनली मैं बोल रहा हूँ क्या मेरी आवाज़ सुन, मैं ही बोल रहा हूँ, क्यों भाई क्या चल रहा है, नहीं आपने बोला सब बढ़िया, मैं अभी शायरी कर रहा हूँ, क्यों भाई क्या चल रहा है, मेरी आवाज़ सुनकर मुझे देखकर क्यों आंखें मल रहा है, दिस इज माई वे। तो पीपल नो कि ये प्लान नहीं है, ये पीपल को पता लगता है कि ये दिल से निकली हुई है। अब वो लिख के लाए हैं, बैठे हैं, कोई बड़ी चीज़ सोच रहे हैं, पब्लिक डजंट लाइक दैट। पब्लिक बड़ी स्मार्ट है, कैरेक्टर था बख्शी अंकल ने गाना लिखा था, ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है। पब्लिक लव मी फॉर द वे आई एम एंड दैट्स द फन पार्ट। सभी इनफैक्ट कुछ कॉन्टेस्टेंट ऐसे थे कि हम लोग यहाँ खड़े होकर इसी मंच पर जो लोगों ने परफॉर्म किया है, जिस मंच पर आप खड़ी हैं, ये हिस्टोरिकल जगह है, ये हमारा 5वां सीजन है, ऐसा परफॉर्म किया है कि मैं वहाँ बैठा था, मैं खड़ा हो गया, और जब तक उनका एक्ट चल रहा था, ये कैमरा पर होगा, मैं ताली बजाता जा रहा था। और भी आपने देखा हो, जजेस बैठते हैं, बहुत अच्छा जज करते हैं अलग अलग शोज। मैंने शायरी शुरू की तो ये